मॉर्निंग दोस्तों। तो बज रहे हैं सुबह के 7 और तारीख हो रही है आज 7। तो आज जाना है छतरपुर और सतना में भी काम करना है। तो पहले सतना में काम करेंगे 4-5 बजे तक, फिर निकलेंगे छतरपुर के लिए। तो देखते हैं कैसा होने वाला है दिन, क्योंकि चेकआउट भी करना रहेगा जल्दी। तो चलिए मिलते हैं 10 बजे तक। चाय भी आने वाली, बोल दी पंडित जी को। चलिए मिलते हैं। 3 hours later। तो दोस्तों हो गया है चेकआउट और हम आ गए पार्क में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत शानदार नज़ारा है। सुबह सुबह डेली यहाँ पे, जब भी यहाँ रुकते हैं तो यहाँ सुबह 1-1.5 घंटा टहलने का बहुत अच्छा कार्यक्रम बन जाता है। तो अच्छा है, खुला वातावरण बहुत कम मिल पाता है, तो यहाँ मिल जाता है तो मज़े हो रहे हैं। पीयूष आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो चलते हैं फिर वर्किंग पे और देखते हैं आज क्या नया है। कुछ नया होगा तो दिखाऊंगा आपको फिर मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों हम निकल दिए काम पर, काम करेंगे उसके बाद हम आपसे मिलते हैं दोपहर में, तो बने रहिए मेरे साथ। 6 hours later। तो दोस्तों बज रहे हैं 4 और हम निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से गाड़ी हमारी बस है छतरपुर के लिए। और छतरपुर पहुँचेंगे करीब रात को 8:30 बजे। और वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं DS सैनब। तो दोस्तों और हिमांशु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों सतना से और छतरपुर के बीच में कोई ट्रेन ट्रैक नहीं है, इस वजह से बस से जाना पड़ रहा है। बस लेती है करीब 5 घंटे, तो करीब 9 बजे तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि लेट हो गए हैं, थोड़ा एक्सप्रेस वगैरह भेजने थे इस वजह से। तो मिलते हैं फिर। तो दोस्तों बहुत भीड़ है, बस बहुत थकावट भरी हुई है, आप देख सकते हैं। और मैं एक पीस गुप्ता को छोड़ के आया हूँ और मेरे साथ में मेरे को मिल गए पीयूष शुक्ला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और पीयूष नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे भाई का भी नाम है। तो दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में और रात होने लगी है, पन्ना पहुँचने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर पन्ना में, आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों पन्ना पहुँच गए हैं और पीयूष उतरने वाले हैं अभी, उतर जाएंगे। तो अब चले जाएंगे यहाँ से, फिर मैं अकेला हो जाऊँगा, फिर कोई और सवारी, फिर देखते हैं कैसा रहता है। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है सफ़र में। ओके बाय। तो दोस्तों पहुँच गए हैं पन्ना और अब पन्ना से निकलने वाले हैं और पीयूष शुक्ला चले गए हैं, भाई साहब आ गए हैं हमारे साथ। तो ये चलेंगे मेरे साथ छतरपुर तक। तो पन्ना के बारे में आपको अगली बार बताऊँगा जब कोई पन्ना आऊँगा, या टाइगर रिजर्व भी ले चलूँगा जब मैं आप अगली बार आऊँगा। तो दोस्तों अभी अपन चलते हैं, और रात हो गई, नहीं तो मैं आपको बाहर से तो दिखाई सकता था, लेकिन आज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रात हो गई है। तो चलो चलते हैं हम छतरपुर, मिलते हैं छतरपुर में। तो दोस्तों पहुंच गए हम महाराजा होटल। तो गाइस पहुंच गए हैं महाराजा होटल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है 5 घंटे की जर्नी के बाद। और भाई साहब बैठे हुए हैं, सत्यनारायण जी बैठे हुए हैं, मिल गए मुद्राबाद घर से। तो रूम बताइए कौन सा है मेरा। आधे घंटे की नींद कर चुके हैं जी, उठ भी चुके हैं और DS सेंगर भी सो चुके हैं, जब तक मैं आया हूँ तब तक ये सो चुके हैं। और अब मुझे लगता नहीं कि चलो खाना खाएंगे, पर मैं जा रहा हूँ खाना खाने अब, और खाना खाएंगे। तो दोस्तों अभी ये लोग खाना खाएंगे और देखते हैं फिर क्या खाते हैं ये लोग आज। वी आर हियर इन महाराजा होटल विद बसंत चौहान, हु इज ऑपरेटिंग बसंत ब्लॉग, एंड अवर कलीग मिस्टर हिमांशु अरोड़ा who is in area manager in Alkem Pharma is also here in Maharaja Hotel. And I would like to share one thing, that Basant Chauhan, which is operating this blog, Basant blog, is very nice, and day to day and update in daily routine, they are providing us so much very important information also regarding so much in interior also, like Chhatarpur and Sagar and Gwalior. And recently we are interested to do so many things in new, so adding this blog,
एंड वेरी सून वी आर कम विद वेरी न्यू अपडेट्स इन इन दिस ब्लॉग ऑल्सो एंड आई एम हार्टली कांग्रेस टू मिस्टर बसंत सिंह चौहान हु इज ऑपरेटिंग दिस एंड हु हैव अ जील टू डू दिस सच टाइप ऑफ थिंग्स इन सोशल मीडिया एंड एज यू नो आई टिल 2011 आई लाइक टू सपोर्ट दिस सोशल साइट लाइक इंस्टाग्राम आइदर फेसबुक एंड और व्हाट्सअप आई एम टू मच फ्रेंडली अबाउट दिट एंड आई एम वेरी टू मच हैप्पी अबाउट बसंत चौहान सो आई एम हार्डली कांग्रेचुलेशन बसंत चौहान ऑल द बेस्ट डू वंडरफुल ग्रेट जॉब. तो दोस्तों आपको बताया अभी डीएस ने जो भी वो डीएस बहुत अच्छे आदमी है मतलब ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी अबाउट द ऑल द थिंग्स और अच्छा बोलते हैं और अच्छे ब्लॉगर भी हैं और अच्छे वीडियो भी बनाते हैं एडिटर भी हैं कोरियोग्राफर भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत मतलब 100% क्वालिटी मैन. तो अब मैं थोड़ा ओवर करूँगा हिमांशु के पास कि कुछ हिमांशु भी बोलते हैं अभी कल क्या इन लोगों ने कुछ नया आइडिया दिया है कुछ मेरे फील्ड के लिए तो मैं उस फील्ड से रिलेटेड कुछ नया पोस्ट करूंगा मैं कल से. तो मैं ओवर टू हिमांशु. नमस्कार, जैसे कि मैं हिमांशु अरोड़ा, जैसे कि आप आपको अभी बसंत चौहान जी ने सब कुछ बताया ऐसे ही साथ में आपको अभी डीएस सेंगर जी ने पहले कुछ बताया. ये लोग मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे फार्मा फील्ड में और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से हमको और आगे भी हम सीखते रहेंगे. अभी हमारे जो बसंत जी चौहान है ये काफ़ी चीज़ें अभी एडिट कर रहे हैं यूट्यूब पे. आप इनका सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पे, आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप इनकी वीडियोस को शेयर कीजिए लाइक कीजिए क्योंकि अभी जैसा है क्योंकि हम लोग एक छोटे स्तर से हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है. फ्रेंड्स, आप लोगों का छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इनोवेटिव एंड कुछ हम आगे भी नया कुछ लेके आना चाहते हैं आपके लिए जो इनोवेटिव रहेगा. जैसे कि हमारा अभी सर ने आपसे डिस्कस किया फार्मा फील्ड के लिए तो हम आपको फार्मा फील्ड के लिए अपडेट करेंगे काफ़ी चीज़ें जो कि हमारा फार्मा फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंस रहता है एक ग्राउंड लेवल पे जो कि हम एमआर बोलते हैं एमई बोलते हैं मेडिकल एग्जीक्यूटिव. तो उसके लिए हम आपको कल अपडेट करेंगे जैसे कि एक जो छोटे से छोटे अपडेट्स रहते हैं और जो छोटे से छोटी इंपॉर्टेंट थिंग्स रहती हैं वो हम आपको कल अपडेट करेंगे. इसी के साथ हम आपके साथ विदा लेंगे, धन्यवाद करेंगे आपका वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत बहुत. तो दोस्तों आपको हिमांशु ने बताया अभी कि मैं मेडिकल अपडेट्स करूंगा फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनके लिए मैं कुछ नया बताऊंगा क्योंकि मैं उस जगह हूं जहां से मैं बता सकता हूं. तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए. आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए काफी काम आ सकता है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस. दोस्तों इन सब बातों के बाद है ना फाइनली मेरे को लग रही भूख तो और खाना आ गया है. सब ये देखिए आप, खाना आ गया है, ये पूरा खाना रखा हुआ है, बहुत शानदार खाना है और ये मंगा लिया हमने तो बेहतरीन होने वाला है आज का डिनर. पूरी दिनचर्या के साथ आपके लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समय समय पे खाते रहना चाहिए. हम खुद भी खाएंगे और आपको भी अपडेट करेंगे कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए और आप फालतू की चीजों से दूर रहिए जैसे कि जंक फूड हो गया आपका और चाइनीज फूड हो गया. आप चाइनीज फूड को अवॉइड करिए, आप इंडियन फूड को अप्लाई करिए और उसी को अपना एक एम बनाइए. आपका बहुत सारी चीजें हमारे पास वेज में है जैसे कि वेज में आपके पास बहुत सारी डिशेज आपको क्वालिटीज मिल जाती है, आप उसको अप्लाई कीजिए और खाइए. थैंक यू सो मच, आप वेज खाइए और स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहिए. तो दोस्तों मैसेज बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर है, आप लोगों को मानना चाहिए और मैं कहता हूँ कि मानना ही चाहिए क्योंकि अच्छा मैसेज. जीवन में आगे बढ़ने के लिए और बने रहने के लिए स्वस्थ खाना स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है. और मेरा आप लोगों से एक दस्तखार है, अगर किसी ने भी सेकेंड डोज नहीं लगवाया तो वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाइए और आज ही अपना सेकेंड डोज अपडेट दिया. बहुत बढ़िया, देखिए ये मैसेज है, ये मैसेज है अपने लिए, सबके लिए, सभी लोगों के लिए, ये जरूरी है हमारे लिए. मैं खाना खोल लिया है, बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाला है आज खाने में. तो दोस्तों के साथ खाना खाने का अलग मजा है, फैमिली के साथ खाना खाने का अलग मजा है. तो खाना साथ में खाएं, दोस्तों के साथ खाएं, फैमिली के साथ खाएं और बने रहिए हमेशा दोस्तों के साथ. थोड़ा खाना खाइए पर दोस्तों के साथ खाने का जो मजा है वो एक अलग ही मजा है. तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर. तो दोस्तों आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सफर भी था लंबा 5-6 घंटे का और काम भी था, काम किया और मैं आपको ले आया छतरपुर और हिमांशु से और डी एस सिंगर से आपकी बात हुई अभी 2 मिनट पहले. तो बहुत शानदार आज का दिन और इसी के साथ आज का ब्लॉग
समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ थोड़ा कर दो, और लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो देखते तो लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी करो, ठीक है। तो फिर मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, और शेयर करते रहिए, और शेयर भी करिए। तो फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।